आज आप सब हमारे साथ पूरा दिन चले हैं। आपने अपनी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा को दिया, इसके लिए सबको धन्यवाद। पीछे कृष्ण कुमार पांडे जी की फोटो है, उन्होंने यात्रा को अपनी जान दी और ये कांग्रेस पार्टी और हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने सोचा था कि हमारे जो यात्री हैं सबके सब अंत तक पहुंचेंगे, मगर दुख की बात है कि हमारे एक प्यारे साथी हमारे साथ श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मगर जो उनकी सोच है वो हमारे साथ चलेगी और वो श्रीनगर तक पहुंचेगी। आपको याद होगा कुछ साल पहले इसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी, 8 बजे रात को, मतलब अभी 7 बज रहे हैं, इसके 1 घंटे बाद नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को रद्द करने जा रहा हूं और काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। सच्चाई ये थी कि नोटबंदी काले धन को मिटाने के लिए नहीं की गई। नोटबंदी जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, उन पर आक्रमण था और उसका नतीजा आज तक हिंदुस्तान के हर गरीब को दिख रहा है। नोटबंदी के बाद उन्होंने गलत जीएसटी लागू की और इन दो पॉलिसीज ने जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार दिलवाती है, किसान, छोटे बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, इन सब को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। यहां आने से पहले मैं युवाओं से मिला, 5-10 युवाओं से मिला और मैंने उनसे सवाल पूछा। वो एग्जाम के बारे में आए थे, डेलीगेशन आया था, एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है आज के हिंदुस्तान में, आपने पढ़ाई कर ली, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब कुछ कर लिया, माता पिता ने आपकी शिक्षा में लाखों रुपए लगा दिए, आपको क्या लगता है आपको रोजगार मिलेगा? चुप हो गए, क्योंकि आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। हमारे देश में आज युवा पढ़ सकता है, स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है, मगर रोजगार उसे नहीं मिल सकता। स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सालों लगा देते हैं और फिर उसके बाद इंजीनियर नहीं बनते, मजदूरी करते। कोई मजदूरी करता है, कोई ऊबर की गाड़ी चलाता है, कोई ड्राइवर बनता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, महाराष्ट्र की सच्चाई है। और जो आपका शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है, वो पूरा का पूरा प्राइवेटाइज किया जा रहा है।
दो तीन लोग हैं, इनके हवाले नरेंद्र मोदी जी और आपकी यहां की सरकार पूरा का पूरा ढांचा इनके हवाले कर रही है। मैंने उनसे पूछा, लड़कों से पूछा कि भाई बताओ बेरोजगारी के कारण बताओ। मुझे कहते हैं जो पब्लिक सेक्टर था जिसमें हमारे जैसे लोगों को रोजगार मिलता था, थोड़ी सिक्योरिटी होती थी, उन्होंने कहा पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो वो भी रास्ता बंद है। नोटबंदी ने, जीएसटी ने एक रास्ता बंद किया, प्राइवेटाइजेशन दूसरा रास्ता बंद कर रहा है। तो ये देश की हालत है। और इन पॉलिसियों का लक्ष्य हिंदुस्तान की गरीब जनता को डराने का है, किसान को डराने का, मजदूर को डराने का, युवा को डराने का। और बीजेपी और आरएसएस डर को फिर नफरत में बदल देते हैं। डर के बिना नफरत हो ही नहीं सकती। अगर डर नहीं है तो नफरत नहीं हो सकती। अगर डर है तो उसको नफरत में बहुत आसानी से बदला जा सकता है। यह हिंदुस्तान में हो रहा है और इससे देश का कोई फायदा नहीं होने वाला है। बेरोजगारी से, महंगाई से देश का कोई फायदा नहीं होगा, नफरत से देश का कोई फायदा नहीं होने वाला। और यह इस देश का इतिहास ही नहीं है, यह भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। 3600 किलोमीटर की यात्रा है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में शुरू किया। 60 दिन हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं ऐसा लग रहा है कि आज सुबह हमने शुरुआत की। अजीब सी बात है। हमारे यात्री, उनसे आप पूछो, किसी को समझ नहीं आ रही बात। 25-25 किलोमीटर हर रोज चलते हैं, 60 दिन से चल रहे हैं। अभी मैं भाषण दे रहा हूं ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट पहले मैंने शुरू किया है। ये हो क्या रहा है? आमतौर से आदमी सुबह उठता है, थकान नहीं होती, दिन भर काम करता है, शाम को थकान होती है, होती है ना? यहां अजीब सी बात है, यहां हम सुबह उठते हैं, थकान नहीं होती, 25 किलोमीटर चलते हैं, 25 किलोमीटर चलने के बाद थकान नहीं होती। मैंने सोचा ये हो क्या रहा है? जवाब बताऊं आपको, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। राहुल गांधी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा, ये जो यात्री हैं ये अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम सब आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आप हमें पीछे से धकेल रहे हो, आपका प्यार हमें पीछे से धकेल रहा है। और ये आपका जो प्यार है ये हमें श्रीनगर तक पहुंचाएगा। और वहां देखना, वहां मेरा भाषण देख लेना, वहां भी मैं यही कहूंगा कि मुझे समझ नहीं आया, 130-140 दिन हो गए, रोज 7-8 घंटे चले हैं, 25-30 किलोमीटर चलने, मगर थकान नहीं आ रही। क्योंकि आपकी आवाज है, आपका प्रेम है, और हम आपकी आवाज सुनने आए हैं। मैं यहां लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं। राजनेता आते हैं, 2 घंटे का भाषण करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हम यहां आए हैं
सात घंटे चले, सुबह से शाम हम आपसे बात कर रहे हैं, किसानों से, युवाओं से। अभी विकलांग औरत मिली मुझे, उसके दिल में जो था उसने मुझे बताया, उसकी व्हीलचेयर को धकेला मैंने। हम आपकी बात सुनने आए हैं क्योंकि हम जानते हैं आप सब कुछ समझते हो। खेती के बारे में सीखना हो किसी ब्यूरोक्रेट की जरूरत नहीं होती है, खेती के बारे में सीखना हो तो किसान के साथ बैठ जाओ, 15 मिनट में वो आपको समझा देगा जो समझना है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारा कर्जा माफ नहीं होता, हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा 2 मिनट में माफ हो जाता है, हमारा नहीं होता। हमने क्या गलती की, हमने कौन सी गलती कर दी, वो बता रहा है। कहता हमें एमएसपी नहीं मिलती, वो कह रहा है। आज मुझे बताया एक किसान मिला, 20 मिनट मुझे उसने समझाया, जो नरेंद्र मोदी जी की जो बीमा योजना है इसके बारे में बताया। कहता है कि हम पैसा डालते हैं, सरकार पैसा डालती है और सीधा का सीधा पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में जाता है। हमारा खेत बर्बाद होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, हमारा खेत बर्बाद हो जाता है तो ना हमें इंश्योरेंस कंपनी का फोन नंबर मिलता है, ना ऑफिस मिलता है, ना पैसा मिलता है। तो अगर किसानों से बात की 15 मिनट में, 20 मिनट में वो समझा देंगे क्या हो रहा है। छोटे दुकानदार से बात करो, वो बता देगा नरेंद्र मोदी जी ने काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी या छोटे बिजनेस वालों की हत्या कर दी, खत्म कर दिया, वो बता देगा 2 मिनट में। युवाओं से पूछो, वो कहेगा, युवा कहेगा भी भैया मुझे रोजगार नहीं मिल सकता, कुछ भी हो जाए मैं जानता हूं मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। ये देश की सच्चाई है और इसको बदलना है। और ये देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है। भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में जब दो भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर आप मुझे समझाओ, अगर जब भाई भाई के साथ लड़ता है परिवार बर्बाद होता है, तो फिर यहां देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? इस देश के भक्त तो नहीं हो। तो इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की और इसमें 1 इंच मतलब हम शुरू करेंगे, कन्याकुमारी से शुरू किया और कश्मीर में, श्रीनगर में ये जो हमारा तिरंगा है उसको हम वहां के जाके लहराएंगे। और आपने हमें इतनी शक्ति दी है, इतना प्यार दिया है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं यहां 3-4 घंटे बैठ जाऊं तब भी मैं आपको समझा नहीं सकता कि आपने मुझे कितना दिया है, कितना प्यार दिया है, कितना कितनी शक्ति दी है। इसलिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बार फिर, आज दुख का दिन है, पांडे जी झंडा
झंडा लिए चल रहे थे, झंडा लिए चल रहे थे, आखिरी सेकंड तक झंडा लिए चल रहे थे और फिर शहीद हुए। तो ये मीटिंग उनके याद में है, उनके परिवार को, हम सब का, पूरी कांग्रेस पार्टी का, हर कार्यकर्ता का, हर नेता का प्यार। और उनको मालूम होना चाहिए कि ये पूरी पार्टी, इस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, इस पार्टी का हर एक नेता आपके साथ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।